ये आदमी जैसे ही पानी छिड़कता है तो मेज पर बनी एक छोटी सी दुनिया में बारिश होने लगती है, जिससे वहाँ के छोटे छोटे लोग बारिश में नाचने लगे थे। बुड्ढा आदमी फिर से अपने नौकर को पानी छिड़कने के लिए कहता है और अब उस दुनिया में हरियाली आने लगी थी। ये बूढ़ा आदमी इस दुनिया का मालिक था। इस दुनिया में छोटे छोटे जानवर भी रहते थे। तभी एक दिन छोटा आदमी दो पत्थरों को घिसकर आग जला देता है, जिससे वहाँ के लोग बहुत ज्यादा खुश होने लगे थे। लेकिन मालिक उनके शोर से परेशान हो जाता है और अपने नौकर को आग बुझाने के लिए आदेश देता है। उस नौकर ने एक फूंक मारकर आग बुझा दी थी। फिर थोड़ी देर बाद कुछ हाथी उन लोगों के पीछे दौड़ने लगते हैं। वो लोग अपनी जान बचाकर गुफा में छिप जाते हैं। एक साल बीत चुका था और गुफा से निकलकर ये लोग नाचते हुए मालिक से बारिश की मांग करते हैं। लेकिन अब मालिक इन लोगों से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए नौकर को एसिड की बारिश करने के लिए कहता है। नौकर ने एक बॉक्स से एसिड की एक बोतल निकाली और उस मेज की दुनिया पर छिड़क देता है, जिससे वहां के सारे जीव जंतु मारे जाते हैं।